इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो महायुद्ध शुरू हुआ है आज उसका 11वां दिन है और इस 11वें दिन पर आज मैं अगर आपको पूरी दुनिया का सिनेरियो समझाऊं तो पूरी दुनिया में जो तमाम देश हैं वो इस वक्त दो धड़ों में बट गए हैं। दो धड़ों में कैसे बटे, सबसे पहले आज आप ये समझिए। दो धड़ों में ऐसे कि एक धड़ा वो है, यानी कि एक वो देश है जिसमें ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज शामिल है जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका समेत भारत भी हालांकि उसी में ही हिस्सा रखता है। जरूर भारत हमेशा ये कहता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन फिर भी वो दूसरे देश हैं जो इस वक्त इसराइल के साथ में खड़े हुए हैं, जिसमें मुखर तौर पर अगर यहां पर अमेरिका है तो दूसरी तरफ विरोध करने वालों में ईरान है। अब आज इस वीडियो में इस महायुद्ध के इतर हम ये बात करने वाले हैं कि इसराइल और ईरान, ये सबसे ज्यादा अगर इस वक्त खबरों में है। ईरान जो बार बार इस बात को लेकर चेतावनी दे रहा है कि अगर इस युद्ध को बढ़ाया गया तो फिर सीधी जंग हो जाएगी। तो आखिर इसराइल और ईरान जब एक वक्त पर इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे तो आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, आज इसी के इर्द गिर्द ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि एक वक्त वो था जब ईरान से तेल लेने में सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका होती थी वो इसराइल की होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ आंकड़ों के जरिए भी और जो हिस्ट्री में लिखा गया है उसके जरिए आपको समझाती हूँ। क्योंकि वो जो व्यापार का सिलसिला था महज कुछ वर्षों तक चला और उसके बाद क्या हुआ, ईरानी विद्रोह के बाद जो वहां के शासक थे शाह रजा पहलवी, उन्होंने गद्दी छोड़ी, यानी कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, और उसके बाद शिया नेता आयतुल्ला खुमैनी ईरान के प्रमुख बन गए और यहीं से ये जो पूरी लड़ाई है, पूरी दुश्मनी है वो शुरू हो जाती है। अब इससे कुछ पॉइंट्स के जरिए आप समझिए। सबसे पहली जो दुश्मनी की वजह थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका को माना गया, और अमेरिका को इसीलिए क्योंकि खुमैनी ये मानते थे कि अमेरिका समेत कई सारे ऐसे देश जिनके रिश्ते या जिनकी दोस्ती इसराइल से अच्छी है वो मुस्लिमों का विरोध करते हैं, और जब खुमैनी ने गद्दी संभाली तो उन्होंने ईरान को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया पूरी तरीके से। अब ऐसे में अमेरिका जो कि इसराइल का समर्थन करता था, और अमेरिका को वो ये मानते थे कि अमेरिका समेत कई और भी ऐसे देश थे जिसको ये माना गया कि वो मुसलमानों के हमेशा से खिलाफ रहे हैं, एक बहुत मेजर जो वजह थी वो ये रही उनकी दुश्मनी की। अब जो इतिहास के जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि जब खुमैनी ने गद्दी संभाली तो उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जो दूतावास था उसको बदल दिया गया, यानी कि जहां पर इसराइल का दूतावास था उसे फिलिस्तीनी दूतावास कर दिया गया, यानी कि इसराइल के दूतावास का खात्मा। अब आप सोचिए कि जो लोग वहां पर रह रहे थे, इतनी बुरी स्थिति वहां पर आ गई थी कि उनको अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा था, क्योंकि ये कह दिया गया था कि अब से ये दूतावास आप लोगों के लिए नहीं है, अब आपको ये जगह छोड़कर चली जानी है। ये उस वक्त की स्थिति है जब खुमैनी ने गद्दी संभाली और इस पूरे जंग की शुरुआत हुई। अब इसमें एक एंगल ये भी आया कि क्या इसराइल की तरक्की एक बड़ा फैक्टर थी इस दुश्मनी की, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों की बात करता है, बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो मुसलमानों के हित की बात करती हैं। अब इसराइल जो कि जो सामर्थ्य देश थे उनके साथ इसराइल की दोस्ती समय के साथ अच्छी होती चली गई, और इसराइल मात्र ऐसा देश रह गया जो आगे बढ़ने की बात करता था, इसमें एजुकेशन शामिल था, महिलाओं के अधिकारों की बात थी, जो कि ईरान समेत कई सारे ऐसे दूसरे मुल्क थे जो रूढ़ीवादी जो सोच थी और जो रवैया था उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं तरक्की जो इसराइल ने समय के साथ में की वो भी एक बड़ा कारण माना गया कि इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। अब ऐसे में वो वक्त आया जब हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को यहां पर हमला किया गया। अब इस वीडियो में मैं आप ये भी समझ लीजिए कि ईरान वो देश है जो खुले तौर पर कभी भी युद्ध की बात नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमास इस वक्त आप तमाम खबरें देख रहे होंगे 7 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई, तो जो हमास है उसे ट्रेनिंग बाकायदा ईरान की तरफ से दी जाती है, और बड़े लंबे समय से हमास को हथियार मुहैया कराने में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का रहा है तो वो ईरान का है, चाहे वो किसी भी मंच पर इस बात को स्वीकारता नहीं हो, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ईरान ट्रेनिंग भी देता है, ईरान पैसा भी देता है और ईरान हथियार भी देता है। इसीलिए जब हमास की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया तो ईरान को बहुत खुशी हुई, और ऐसे में जब इसराइल ने कहा कि अब हम गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, हमारी सेना वहां पर आ रही है,
है तो ईरान ने चेतावनी दी और ईरान ने चेता दिया कि अब आपने ये किया तो फिर आपकी सीधी दुश्मनी हमसे हो जाएगी। एक दबाव बनाने की भी कोशिश थी कि एक तरफ हमास हमला कर रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से वहां पर प्रॉब्लम है। अब अगर ईरान भी खुले तौर पर ये कह देता है तो हो सकता है कि इजराइल अपने पांव पीछे हटा ले। ये बात इसीलिए भी यहां पर जानना जरूरी है क्योंकि अब माना यह जा रहा था, हालांकि खबरें ये भी सामने आई कि हिजबुल्ला, आपने ये भी जरूर नाम सुन लिया होगा, इस संगठन के बारे में भी पढ़ लिया होगा, हिजबुल्ला के भी जो तार हैं वो ईरान से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे वक्त में जब जंग हो रही है इसराइल की और फिलिस्तीन की, वहां पर गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं और वहां से इसराइल पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो इन सब मामलों के जानकार भी कहते हैं अगर किसी की चांदी इस युद्ध में हुई है तो वो ईरान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान जब उसके कट्टर दुश्मन पर हमले हो रहे हैं तो वो अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेकने में यहां पर जुटा हुआ है। हालांकि अभी देखिए भविष्य में जरूर देखना होगा कि ईरान का ये कह देना कि अगर आपने यहां से कदम आगे बढ़ाए तो सीधा युद्ध आपसे हो जाएगा, क्या इसका इसराइल पर किसी भी रूप में कोई फर्क पड़ता है, या फिर अगर आने वाले समय में युद्ध और ज्यादा भीषण होता चला गया तो ईरान जो हमेशा हमास का समर्थन करता रहा है किसी ना किसी, क्योंकि वो शिया बहुल जो कंट्री है वो है, अब ऐसे में हमास को क्या वो और पुरजोर तरीके से समर्थन करता है और ये युद्ध जो इस वक्त चल रहा है वो किस लेवल पर जाता है, इन सब के लिए जरूर आने वाले समय का इंतजार करना होगा।